का दिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेसी नेताओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कांग्रेस के जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी का जिस तरीके से जो उनकी जो संसदी खत्म की हुई थी, जो उनको सजा हुई थी निचली अदालत से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम मुख्यालयों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल जी, रकुल जी किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सेमीफाइनल हो गया 2023 में, सेमीफाइनल हो गया 2024 फाइनल जीत गए आप। ये यहाँ का जीत 2024 की जीत को आगाज करा चुकी है। देश का एक एक नागरिक आज इस जीत पर बहुत प्रसन्न है और सब लोग आज मोदी, अमित शाह और उनके जितने भी रहने वाले सबको पराजित देख रही है। नकुल जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार जब हम आपसे बात करते थे आप बार बार कहते थे कि अभी अंतिम फैसला बाकी है सुप्रीम कोर्ट का, और जब जो है निचली अदालत का आया था तो आपने काला दिवस मनाया था, आज सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को कैसे देखते हैं? आप गुजरात से बाहर आ गए ना, आप गुजरात से बाहर आ गए, तो देखिए जो सच है, सच की जीत तो होनी ही होनी थी और सच की जीत हो गई है। और सबसे बड़ी बात माननीय कि सेक्शन 499 और 500 सीआरपीसी स्पेसिफिक प्रोविजन है कि भाई जो प्रभावी व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति होगा वही मुकदमा करेगा। आप मोदी है ही नहीं हो, इतना बड़ा तमाशा आपने करा दिया, लेकिन ये तमाशे अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। 14 से 23 बहुत देख लिया, 24 में अपनी हांडी उठाओ और चलते नजर आओ, झोला लेकर पहले भाग जाओ, जहां और मोदी गए हैं वही तुम्हारा ठिकाना वही रहेगा। नकुल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी किया कि मैक्सिमम सजा ही क्यों, ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि ग्राउंड जीरो पे, फिर उसके बाद जब संसदीय चली गई तो क्षेत्रवासियों पर भी प्रभाव पड़ा, जो राहुल जी का जो संसदीय क्षेत्र था, तो ये जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद खड़े किए, इसको न्यायपालिका और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, क्या और आम आदमी का इससे और विश्वास मजबूत होगा? देखो भैया, सही से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खाली एक लाइन सुने कि सजा पर रोक, अब बाकी क्या क्या टिप्पणी हुई है वहां तो हमने कोई कह नहीं कर रहा, उन्होंने कहा भाई साजिश के तहत ये सब किया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कह दे रहा है कि साहब ये केंद्रीय जो सत्ता है उसके साजिश में एक परिणाम आया, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें तुरंत प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हिमालय चले जाना चाहिए, या उनको विदेश में जहां उनके सब मित्र यार गए हैं वो लेकर के 18 लाख लोग जो ले गए वहीं चले जाना चाहिए, या फिर उनको कैलाशा चले जाना चाहिए। मैं बहुत साफ राय आपसे कहना चाहता हूँ। एक अंतिम टिप्पणी और ले लेते हैं, अब राहुल जी की संसद जो है सदस्यता भी जो है बहाल हो गई है, अब वो सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे वापस, फिर उनसे जो है मुद्दे उठाएंगे। वही अडानी, वही 20,000 करोड़, वही तुम्हारा उनका संबंध, वही तुमने कितने ठेके दिलाए, तुमने उसको 600 पे 2 कैसे पहुंचाया। हिंदुस्तान में अगर महंगाई कम नहीं हो रही है तो अडानी जिम्मेदार तो नहीं है, अंबानी जिम्मेदार तो नहीं है उसकी जेबों को भरने के लिए, कहीं तोरे जेबा से, कहीं इनके जेबा से, कहीं इनके जेबा से, कहीं हम ये तमाशा बंद करो। महंगाई पर अगर रोक नहीं लग रही है, अडानी की कमाई 600 से दूसरे नंबर पहुंच गई है, तो निश्चित रूप से देश के एक एक नागरिक को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर अडानी तुम हो कौन? बूस्टअप डोज मिला है आप लोगों को? बूस्टअप डोज मिला, एनर्जी काफी एनर्जेटिक, बूस्टअप डोज आज हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को मिल गया है। सब लोग ढूंढ रहे, सब लोग मान लो ये कहीं हड़बड़ नहीं करेगा, तो उनका हारेगा कैसे? देखो हार गया, अरे हार गया, दिनांक 4 अगस्त 2023 इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और आज से ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की सफाई शुरू हो गई है। आइए इस देश को पुनः एक बार मोहब्बत की तरफ ले चलें, नफरत को भगाएं, आपस में मारपीट को भगाएं, महंगाई भगाएं, बेरोजगारी भगाएं, पलायनवाद को भगाएं और इस देश में एक बार पुनः 2014 के पहले वाली अलग जगाएं। बोलो भारत माता की। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे थे, उनसे हम बात करते हैं। साफ तौर पर खुशी देखी जा रही, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज इसको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब सजा हुई थी तो यही कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उसको काला दिन के रूप में मना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस सजा का उस वक्त स्वागत किया था और निश्चित रूप से आज जो फैसला आया इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कमेटी में मिठाई का दौर चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही। दीपक जी, आज कितना बड़ा दिन है, किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, निचली अदालत में जिस तरह की टिप्पणियां किया है, तल्ख टिप्पणियां किया है, पूरा देश एक स्वर से कह रहा है सत्यमेव जयते। उम्मीद थी जिस तरह से गुजरात के अदालतों से राहुल गांधी जी के विरुद्ध फैसले आए थे, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था इस बात को लेकर कि न्याय मिलेगी, सत्यमेव जयते का नारा फिर से बुलंद होगा। जो तमाम हमारी देश में राहुल गांधी जी, चाहे तमाम महिलाएं हों, बेरोजगार हों, पीड़ित हो, सबकी उम्मीद है राहुल गांधी जी, वो आवाज लोकसभा में फिर से गूंजेगी। आज उसकी जीत हुई है,
हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है, राहुल गांधी जी के उस नारे की जीत हुई है जो उन्होंने पदयात्रा में जोर शोर से कहा था, नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं। तो कहीं ना कहीं आज नफरत के इस माहौल में मोहब्बत की जीत हुई है। तो आप जश्न देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, जश्न है, प्रसन्नता है, और ये 2024 के रिजल्ट में परिणित होगी। 2024 में देश में इंडिया की सरकार बनेगी। आज इंडिया के सारे घटक दल मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, सबने बधाइयां दी हैं और देश के तमाम लोगों ने इसे स्वीकार किया है। दीपक जी, जब निचली अदालत का फैसला आया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसका स्वागत करते हुए ऐतिहासिक फैसला बताया था और कई तरीके की बातें की थी। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से ये आया है फैसला, ये जो टिप्पणियां की है इसको और उसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक जवाब है जो अलोकतांत्रिक बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तह में जाएं, उन्होंने टिप्पणी क्या क्या की याचिका के विरुद्ध, उन्होंने टिप्पणी क्या की अदालतों के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की मोदी सरनेम के विरुद्ध, तो मुझे लगता है अपने आप में हमारे देश का जो खूबसूरत संविधान है, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है वो बहुत ही आज भी मजबूत है। न्याय में देरी हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, ये बात परिणाम प्रमाणित हुई है। और यकीनन जिस तरह से राहुल गांधी जी को, उनकी छवि को बिगाड़ने की पहले कोशिश की गई, जब उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग असफल रहे तो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, उन सबको राहुल गांधी जी पछाड़ते हुए दुगनी रफ्तार से आगे निकले हैं। आज सारे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या न्यूट्रल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से दुगनी अपने आप दिखाई पड़ रही है। तो ये अत्याचार का बदला देश लेता है। हमारे देश में जब जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ है, देश की जनता खड़ी हुई है और देश की जनता ने सत्यमेव का नारा दिया है। आज वो नारा भी परिभूत हो रहा है। दीपक जी, सत्र चल रहा है, सत्र का दौर जारी है, तो और राहुल जी की सदस्यता बहाल होने के बाद वापस सदन में वो आवाज सुनाई पड़ेगी जो सवालात उनके पहले हुआ करते थे। पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि जिस जल्दबाजी के साथ लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की थी, वही जल्दबाजी आज कोर्ट के फैसले के बाद दिखाएगी। राहुल गांधी जी का की सदस्यता बहाल होगी। राहुल गांधी जी कल से ही, जो मणिपुर का मुद्दा है या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश में आग लगा रखी है, उस पे राहुल गांधी कल दहाड़ेंगे और ऐसी उम्मीद हिंदुस्तान का आम आदमी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, इंडिया का हर घटक उम्मीद लगाए बैठा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एनसी और कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज जो फैसला आया है कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक फैसला है और साफ तौर पे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय में पटाखे दग रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और साफ एक बात फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से पहले सदन में सत्र के दौरान राहुल गांधी सवाल करते हुए नजर आते थे, आवाज उठाते हुए नजर आते थे, उसी तेवर और उसी लहजे में एक बार फिर से राहुल गांधी को सत्र के दौरान देखा जाएगा। वीडियो जल्दी के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।